अभी तो जैसे कि एंटरटेनमेंट की बाढ़ सी आई हुई है अभी हाल ही में जैसे मेजर मूवी रिलीज हुई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रेंजर थिंग्स जो वेब सीरीज आई हुई थी और अभी जैसे प्लेयर के ऊपर आश्रम का थर्ड सीजन हुआ है और एमेजोन के ऊपर द बॉयज का थर्ड सीजन आया है तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले द बॉयज के सीजन थर्ड के बारे में जैसे अमेजोन के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म रिलीज किया गया अभी फिलहाल इसके तीन ही एपिसोड रिलीज किए गए आने वाले टाइम में धीरे धीरे एपिसोड इसके रिलीज किए जाएंगे उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे कंटेंट मिलता रहेगा वीडियो बनती रहेगी और थोड़े बहुत पैसे छपते रहेंगे क्या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टार्टिंग में एक वार्निंग मैं दे देता हूँ हाँ हाँ स्पॉयलर की नहीं दूंगा मैं ये कहने वाला हूँ कि भैया ये जो सीरीज है द बॉयज ये पूरी सीरीज है बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं है ये स्ट्रिक्टली कह रहा हूं मैं कहीं सोचो कि यार ये कहीं ना कहीं हमें बच्चों को इसकी तरफ लुभाने के लिए बोल रहा हूं नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं भाई ये सीरीज अकेले बैठने के लिए अगर आप अच्छी खासी उम्र के एडल्ट हैं तब जाकर आप ये सीरीज देखिए और अकेले ही देखिए मतलब समझ रहे हो ना इसको अकेले ही देखना है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है सब कुछ मिलने वाला है खैर इस सीरीज की कहानी की चर्चा कर लेते हैं स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ पावर है जिनको सुपर सुपर पावर या फिर एक ग्रुप है इनका जो भी है टीम सेवन इनको जो भी कहा गया है अब यहां पर ये जो लोग हैं बहुत घिनोने हैं कुछ ज्यादातर लोग हैं कुछ एक जो है वो इसमें अच्छे हैं और इनका काम बहुत ज्यादा घिनौना है खैर जनता में तो इन्होंने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि भैया ये सुपर हीरोज हैं ये लोगों को बचाते हैं लेकिन इन्होंने इनके जो पीछे के जो राज हैं कुछ लोगों को पता होता है क्योंकि इनके उन घिनोने काम से उनकी फैमिली सर्वाइव की है अब यहाँ पर जिन्होंने सर्वाइव किया इनके घिनौने काम से वो इनसे बदला लेना चाहते हैं और कुछ लोग मिलकर इनसे बदला लेने की टान भी लेते हैं अब यहाँ पर सोचकर देखो आम इंसान जिनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और एक ऐसे इंसान जिनके पास पावर है जनता उनको पसंद करती है और वो चुटकियों में मसल सकते हैं आम जो एक आम कोई व्यक्ति है उसको अब कुछ लोग मिलकर इनसे जो बदला लेंगे तो एक इंटरेस्टिंग मतलब एंटरटेनमेंट बनके तो आपके सामने आएगा तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना जिनके पास पावर है इनको विलन बनाया गया है लेकिन जनता के सामने जैसे रिप्रेजेंट किया गया है ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना बहुत जबरदस्त हमें लगता है और इनके बीच की लड़ाई ही सेकंड फर्स्ट सीजन से स्टार्ट होती है यही सेकंड सीजन में हमें देखने को मिलता है यही थर्ड सीजन में हमें देखने को मिलता है और हर एक सीजन ने एक एंटरटेनमेंट का लेवल अपना ऊंचा ही उठाया है मतलब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ जाता है खैर थर्ड सीजन के अंदर भी इन सुपर सुपर जो लोग हैं या सुपर जिनको कहा गया है और आम इंसान इनके बीच में

आप ऐसे नहीं समझेंगे कि यार वो अच्छाई के लिए लड़ रहे है। ना 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 एक, एक अलग ही उसकी पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है आप उसको इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते भाई मैं उसको मार दूंगा तो तुम रास्ते मत आओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले ये सुपर जो लोग है, उनकी असलियत लोगों के सामने रास्ते में, में तो कतराएगा नहीं इतना ये घिनौना ये भी है बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट देख आपको मजा आने वाला है और होमलैंडर और जो बुचर वो एक दूसरे को जान से मार देना चाहते हैं और ऐसी सिचुएशन इनके सामने क्रिएट की जाती है कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं और चाह कर भी एक दूसरे को मार नहीं पा रहे खैर बुचर की तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें समझ में आती है कि भी बुचर के पास पावर नहीं है वरना वो तो कब का मसल दिया होता लेकिन होमलैंडर के पास तो पावर है वो बुचर को हाथ भी नहीं लगा पाता ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है भाई साहब मतलब वो टेबल पर बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं और चाह भी एक दूसरे को नहीं मार रहे है। ये जो सिचुएशन आती है ना बहुत चुम्बेश्वर लेवल की वो सिचुएशन है बहुत मजा आता है यार बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है उस चीज को देखकर और आपने ट्रेलर थी देखा हो तो उसके अंदर आपको बूचर को ऐसे मतलब जैसे बूचर उसके अंदर दिखाया गया उसके पास भी पावर आ जाती है उसकी आंखों से लेजर निकलते हुए हमें दिखती है ट्रेलर के अंदर केर ये जो सस्पेंस है ना ये थर्ड सीजन के आपको फर्स्ट थ्री फर्स्ट थ्री एपिसोड में आपको जो देखने को मिलेगा सस्पेंस है सस्पेंस और एंटरटेनमेंट का जो तड़का मिलेगा ना बहुत बढ़िया खैर वो बताने वाला नहीं हूँ लेकिन एक जो ये आपको दिखाया जाएगा ना पावर का कॉन्सेप्ट आपको थर्ड सीजन के अंदर क्योंकि हमें सीजन वन और सीजन टू के अंदर में जैसे दिखाया गया था जिनके पास पावर आती है वो कैसे आती है उनके सामने कंपाउंड वी नाम की एक ड्रग के बारे में हमें पता चलता है वो जिस तरीके से इनको पावर दी जाती है या फिर पावर के लिए जो बच्चे बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह सीजन वन सीजन टू के अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है कैर मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपने अगर कोई भी सीजन नहीं देखा तो आपको इस वीडियो से स्पॉयलर मिल जाए खैर आप जाकर पहले फर्स्ट सीजन सेकेंड सीजन देखिए और सीजन थर्ड का फर्स्ट एपिसोड एपिसोड वो जो एपिसोड इन्होंने बनाया है रिप्रेजेंट किया है नेक्स्ट लेवल यार वो देखकर इतना मतलब वो बताने कैसे बताऊं यार वो बता भी नहीं सकता मतलब मैं चाहूं भी वो बताना वो बता नहीं सकता इसलिए नहीं कि मुझे स्पॉइलर आपको मिल जाए वो बताने वाला है नहीं मतलब जो आप जाकर फर्स्ट एपिसोड सीजन थर्ड का फर्स्ट एपिसोड आप एक्सपीरियंस करिए और अकेले ही देखना किसी और के साथ मत देखना हाँ यार दोस्तों के साथ देख सकते हो जो एडल्ट और जो सब चीजें एडल्टीज क्योंकि सीजन वन सीजन टू सीजन थर्ड इन तीनों के अंदर फुल ऑन सेक्स फुल ऑन गालीबाजी फुल ऑन वॉयेंस वॉयलेंस समझ रहे हो ना एकदम तो चिथड़े उड़ा देने वाला जो वॉयलेंस है जो असली जो वॉयलेंस होता है वो द बॉयज के अंदर हमें देखने को मिलता है इसके ऊपर इतनी जमा मतलब बातें ही बातें कर सकते हैं वीडियो की एंडिंग ही नहीं होगी खैर यहीं पर अपने आप को कंट्रोल करते हैं देखो तीनों थर्ड से तीनों एपिसोड हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और अभी तो जैसे एंटरटेनमेंट शुरुआत हुई है आने वाले धीरे धीरे इसके एपिसोड आएंगे वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे और जो सीज़न थर्ड है वो मैंने हिंदी में देखा है मतलब सीज़न वन सीज़न टू मैंने इंग्लिश में ही देखा था और फुल ऑन गालीबाजी सब कुछ मतलब सब सब कुछ आ रहा था सीजन टू के अंदर तो ये रखा गया था कि सब हिंदी में रखा गया था इस बार सीजन थर्ड के अंदर हिंदी डब में ये हमें दिखाया गया है और डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गाली बा गाली को कम किया गया है जो इसकी रिक्वायरमेंट थी मैं ऐसा नहीं है कि मैं गाली को कोई सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इस सीरीज की इस की आपको हिंदी डबिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अभी मैंने चेक नहीं किया शायद हो अवेलेबल मैंने तो सीधा सीधा का सीधा थर्ड सीजन ही इसको देखा है तो मेरी तरफ से तो भैया बहुत ज्यादा अच्छा लगा है मुझे फर्स्ट थ्री एपिसोड आने वाले एपिसोड में इसके लिए मैं काफी ज्यादा अगर आप लोगों ने ये तीनों तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगे और फिर से रिकमेंडेड करूंगा अगर आपने कोई भी सीजन नहीं देखा है तो इस सीजन थर्ड का फर्स्ट एपिसोड ही देख लो आप मतलब बहुत ज्यादा कायल हो जाओगे देखने के लिए इसके अंदर क्या कहानी चली थी तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिसते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद